एक छोटी सी बच्ची ने अपने झोले से 3 गुड़िया निकाली और राजा के समक्ष रख दी। तीनों गुड़िया देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। अगर तेनाली राम ने इस अंतर को खोज लिया तो मैं मान जाऊंगा कि तेनाली राम इस दुनिया के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राजा ने पूरे दरबार के लोगों को बुलाया और गुड़िया के अंतर खोजने को कहा, लेकिन कोई दरबारी उनमें अंतर नहीं खोज सका। बच्ची ने राजा को गुड़िया में अंतर खोजने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। तेनाली राम ने दरबार में पहुंचकर राजा कृष्णदेव राय को बताया कि उन्होंने इन गुड़ियाओं के बीच में अंतर को पहचान लिया है। उन्होंने एक सुई मंगवाई। तेनाली राम ने बारी बारी से तीनों गुड़ियाओं के कान सुई डाली। पहली गुड़िया के कान में सुई डालने पर वो उसके मुंह से बाहर आई, दूसरी गुड़िया के कान में सुई डालने पर वो दूसरे कान से बाहर आई, और तीसरी गुड़िया के कान में सुई डालने पर वो दिल में चली गई। तेनाली राम ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि पहली गुड़िया चुगलखोर है और वो रहस्य छुपा नहीं सकती, दूसरी गुड़िया लापरवाह है, वो बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल देती है, तीसरी गुड़िया जिम्मेदार है जो बात को अपने हृदय में आत्मसात कर लेती है। बच्ची तेनाली राम के इस सूक्ष्म विश्लेषण से प्रसन्न हुई और उसने तेनाली राम की बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की।